आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड का भौतिक स्वरूप। इसके साथ ही हम ऊंचावच को देखेंगे और कैसे देखेंगे कि कैसे ऊंचाई का प्रभाव पड़ता है और इससे हमारा ड्रेनेज सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, क्योंकि अपवाह तंत्र से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ का भौतिक स्वरूप। देखिए, भौतिक स्वरूप का अर्थ होता है ऊंचावच, यानी कितना ऊंचा है और कितना नीचा है। इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है उसकी जलवायु में अंतर आता है, इसलिए भौतिक स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने कुछ क्षेत्रों को पहचान की। वास्तव में झारखंड जो है वह एक पठारी क्षेत्र है। इसे छोटा नागपुर का पठार, पठार के नाम से जानते हैं। ये छोटा नागपुर का पठार कहने का मतलब ये पठारी क्षेत्र है, यानी फ्लैट लैंड है, लेकिन इसमें भी कहीं कहीं ऊंचाई है। तो सबसे पहला क्षेत्र आता है पाट प्रदेश। पाट प्रदेश का मतलब होता क्या है ये जानिए। देखिए, और रांची का पठार के ऊपर पाट प्रदेश है, ये है क्या? जब पठार का एक स्वरूप फिर पठार के ऊपर पठार है, इसे पाट पठार कहते हैं। पाट पठार, ये पठार है और इसके ऊपर पठार। अब इस भौतिक स्वरूप को अलग अलग क्षेत्रों में बांटते हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये पाट प्रदेश है। ये नेतरहाट का रीजन है, ये सबसे ऊंचा भूमि है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 900 मीटर है। इसके बाद ये दूसरा जो है यह रांची का पठार है, और यहां से इस रांची के पठार, सपोज कीजिए कि ये दामोदर नदी जो निकलती है, इस पाट क्षेत्र से ही सारी नदियां, महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जैसे ये आगे हम आपको बताएंगे। तो ये जो हिस्सा है, ये जो निकलती है दामोदर, इसके ये वाला हिस्सा रांची पठार में आता है, रांची पठारी क्षेत्र में, और ये हजारीबाग पठारी में, ये दोनों। तो ये दो नंबर हुआ, यहां से यहां तक। इसको दूसरे सिंबल में हम दर्शाते हैं, ये करीब करीब। अब आता है उत्तरी बाह्य पठार। देखिए, ये चतरा से लेकर, यहां पे चतरा है, यहां हजारीबाग का पार्ट है, यहां कोडरमा है, यहां गिरिडीह है, यानी कंप्लीट ये रीजन जो है वह आपको उत्तरी बाह्य पठार आता है। यहीं पे तिलैया डैम है, इसको झारखंड का छोटा नागपुर प्रदेश भी कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि बराकर कहां से निकलती है, तो बराकर इस क्षेत्र से निकलती है। अब आता है दक्षिणी बाह्य पठार। दक्षिणी बाह्य पठार ये काफी कठोर चट्टानों से बना है। ये आपका सिमडेगा हुआ, यहां सिमडेगा है, ये यहां पर देखिए रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये यहां पे चल जाती है स्वर्णरेखा, एकमात्र झारखंड की नदी जो सीधे समुद्र में गिरती है, और इसी का एक हिस्सा है यहां पे खरकई नदी, और यहां बनता है आपका चाईबासा का मैदान। आप देखिए, ये वाला जो हिस्सा है वो चाईबासा का मैदान। और ये जो क्षेत्र है यहां देख रहे हैं, ये पश्चिमी सिंहभूम है, और ये पूर्वी सिंहभूम है, और ये वाला बीच का हिस्सा जो है वो सरायकेला खरसावा है। तो ये यहां पर सिमडेगा का पठार हुआ, और ये हुआ कोल्हान।
पठारी क्षेत्र। अब आइए, ये बीच का है वह मतलब यहां का क्षेत्र पुरहाट मैदान है। पुरहाट मैदान, अब यहां संथाल परगना का उच्च भाग, यहां पे राजमहल पहाड़ी है और ये कंप्लीट यहां से ये एरिया संथाल परगना का क्षेत्र है। तो ये 5 नंबर यहां पर पड़ता है और इस राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के किनारे किनारे ये गंगा का मैदान है। ये गंगा नदी साहेबगंज जिला से है, ये साहेबगंज जिला है किनारे किनारे। उसी तरह देखिए कि ये फिर से आप ध्यान से देखिए कि झारखंड का ये भाग बहुत ऊंचा है, उससे थोड़ा सा डाउन ये है, उससे थोड़ा सा डाउन है, और ये सब है तो पठारी क्षेत्र इसलिए उच्च भूमि है। ठीक उसी तरीके से यहां पर आपका पड़ता है गढ़वा क्षेत्र और ये पलामू, ये किनारे किनारे सोन नदी गुजरी है और ये कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी है। ये क्षेत्र कंप्लीट गढ़वा और पलामू का हिस्सा। यह जो क्षेत्र है वो लातेहार का है और आपको पता होना चाहिए कि ये ऊंचा भूमि जो है पाट प्रदेश, पाट प्रदेश हमने बताया कि पठार के ऊपर पठार, ये नेतरहाट का है और उससे थोड़ा सा नीचे रांची है। एक क्वेश्चन पूछा था जेपीएससी में कि ये कौन सी नदी, ये नदी है स्वर्णरेखा, सॉरी दामोदर, कौन सी नदी दामोदर जो रांची के पठार और हजारीबाग के पठार को विभाजित करती है। दामोदर नदी रिफ्ट घाटी में बहती है और इस कारण से ये दोनों को अलग करती है। संथाल परगना क्षेत्र यानी कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र उच्च भूमि का है, इधर साहिबगंज गंगा का मैदान है, ये उत्तरी बाह्य पठार है और ये दक्षिणी बाह्य पठार। दक्षिणी बाह्य पठार में कुल्हान पठारी क्षेत्र आता है, चायबासा, और ये पूर्वी सिंहभूम का। और ये पुरहाट का मैदान है जो आप कह सकते हैं कि बोकारो रामगढ़ का क्षेत्र, ये छोटा सा हिस्सा और थोड़ा सा यहां पे आपको सरायकेला खरसावां तक टच करता है। तो ये झारखंड का भौतिक स्वरूप है कि कैसे ऊंचा नीचा है। फिर से आपको दिखा दें कि ये भाग बहुत ऊंचा है, उससे कम रांची का है, उससे कम ये हजारीबाग है, उससे थोड़ा सा कम ये चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह क्षेत्र। इधर आइए, यहां पे सिमडेगा का पठार ऊंचा है, ये गुमला रीजन है, यहां पर पश्चिमी सिंहभूम और ये पूर्वी सिंहभूम, यहां दो नदियां देखिए, यहां पर भी आपको ऊंचाई से निकलने वाली संख नदी है जहां जिसे हीरा मिलता है, ये आपको स्वर्णरेखा है, एकमात्र नदी जो समुद्र में गिरती है। तो इसके बाद हम आपको ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाएंगे क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाते हैं। तब चलिए पढ़ते हैं आज झारखंड के अपवाह तंत्र। और इसमें अपवाह तंत्र का मतलब होता है नदियों का बहना। नदियां प्रायः बरसाती या वे नदियां होती हैं जिसमें सालों भर पानी रहता है। तो झारखंड में मैक्सिमम पठारी क्षेत्र होने के कारण यहां पर बरसाती नदियों का बहुत ज्यादा जमाव है। फिर भी हम इन नदियों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटते हैं। देखिए, हमने पहले ही बताया था कि ये झारखंड का उच्च भूमि है, तो ये कुछ खास नदियां जो झारखंड की प्रमुख नदियां हैं उनको मैंने दिखाया है मैप पे। तो ये है हमारा दामोदर जो झारखंड की सबसे लंबी नदी है। तो हम ड्रेनेज सिस्टम को एक अलग तरीके से बांटते हैं। सबसे पहले उत्तर यानी इधर के तरफ बिहार के तरफ बहने वाली, कि यहां से ऐसे ढाल है, ये नदियां इधर जाती हैं, यहां से ऐसे ढाल है और यहां से ऐसे ढाल है। तो देखिए, ये किनारे किनारे सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अपवाह तंत्र।
तो उत्तरी अपवाह तंत्र में सोन नदी, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है, एक तरफ सोन निकलता है, दूसरी तरफ नर्मदा निकलती है, इसे सोनभद्र भी कहते हैं। इसके रेत में बालू पाया जाता है। यह केवल यहां पर गढ़वा जिला है और ये आपको सोन नदी है, बस गढ़वा जिला से टच करते हुए बाहरी बाहरी बाउंड्री बनाते हुए निकल जाती है, ये जाके बिहार में और पटना के नजदीक गंगा नदी में मिल जाती है। इसके रेत में सोना पाया जाता है, इसलिए सोन नदी कहते हैं। अब दूसरा आता है पुनपुन। देखिए पुनपुन का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में है, यह लगभग यहां से निकलती है और यह कीकट या बामगधी नदी यानी कि मगध की नदी के नाम से जाना जाती है, जो कि जाकर गंगा में मिल जाती है। यह सकरी नदी है, यह भी लगभग इस जगह से निकलती है और आगे जाकर यह पुनपुन में मिल जाती है। ये सबसे अधिक, सकरी नदी को आप लोग याद रखिएगा, सबसे अधिक मार्ग बदलती है, मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, सकरी नदी। फल्गु नदी, देखिए फल्गु नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये यहां पे एक औरंगाबाद जिला के पास बिहार में, वहां से ये निकलती है, ये भी पहाड़ी क्षेत्र है जो कि कैमूर का एक्सटेंडेड रूप है। तो इस उच्च बहुत कम इसका हिस्सा है जो कि आगे चलकर फल्गु जहां गया के पास है, ऐसी नदी जो मतलब रेत ही रेत है, अंदर अंदर बहती है और यहीं पे इसी नदी की एक शाखा निरंजना नदी के तट पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई, तो उसका दूसरा नाम सलीला है। अब आता है कि इस क्षेत्र का हो गया एक नंबर, हमने डिस्कस किया, दो नंबर आते हैं यानी कि उत्तर पश्चिमी प्रवाह। अब देखिए उत्तर पश्चिमी प्रवाह में ही ये आता है, यहां से देखिए ये नदी है उत्तरी कोयल, ये उत्तरी कोयल है और ये आपको दक्षिणी कोयल है, ये दोनों दो नदियां हैं। तो पहले हम लोग उत्तरी कोयल की बात करें, उत्तरी कोयल की सहायक नदी है औरंगा और अमानत, ये दोनों आगे जाकर सोन नदी में मिल जाती है और यह आपका हिस्सा जो है, ये उत्तरी कोयल में झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ बनता है, बूढ़ा घाघ इसी नदी पर बनता है। ये देखिए यहां पर ये आपका नेतरहाट की ऊंचाई है, पाट प्रदेश है, पाट प्रदेश से ये निकलती है और इसके बाद इधर की तरफ कई शाखाएं, कई नदियां निकलती है, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है और ये यहां पलामू और ये गढ़वा जिला है, इससे होकर निकलती है। अब आता है पूर्वी प्रवाह, पूर्वी यानी कि इस साइड का, तो पूर्वी प्रवाह में सबसे पहला ये भीमचूला से निकलती है दामोदर, झारखंड की सबसे लंबी नदी यह दामोदर है और ये इसका बेसिन में कोयला पाया जाता है, याद रखिएगा ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। दामोदर नदी रांची के पठार और ये नीचे रांची और ये ऊपर में हजारीबाग दोनों को अलग करती है। इसकी कई सहायक नदियां हैं जैसे बराकर है, अजय है, ये बराकर, यहां देखिए ये बराकर नदी है, ये आपको कोडरमा झील है जिसको झुमरी तलैया झील कहते हैं, वहां से निकलती है और ये जाकर यहां मैथन डैम है, मैथन डैम के पास आकर मिलती है। ये है मुंगेर से निकलने वाली अजय नदी, फिर यहां त्रिकुटी पहाड़ी है, देवघर के पास आप देखे होंगे त्रिकुटी पहाड़ी से निकलने वाली ये आपका मयूराक्षी नदी, इसको मूर नदी भी खोते हैं, मूर नदी।
और ये गुमानी नदी है, गुमानी नदी। फिर इसकी एक और बंस लुई, लुई नदी जो गुड्डा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। तो ये आपका ड्रेनेज सिस्टम उत्तरी अपवाह तंत्र हो गया, ये उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र हो गया, ये उत्तरी अपवाह तंत्र, उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र, और ये आपका पूर्वी अपवाह तंत्र। अब आगे बताते हैं, अब अगला दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र। दक्षिण और पूर्वी, ये दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग ये वाला आता है। इसमें देखिए ये जो स्वर्णरेखा है वह पिस्का नगरी नामक स्थान पर चलता है, निकलता है और यहां से रांची होते हुए ये देखिए यहाँ पे खरकई, यहाँ पे जमशेदपुर है और ये खरकई इसकी सहायक नदी है। जमशेदपुर खरकई और स्वर्णरेखा के किनारे हैं और ये कांची नदी दशम जलप्रपात यहाँ पर बनता है। तो ये दक्षिण पूर्वी एकमात्र स्वर्णरेखा नदी है जो सीधे समुद्र में गिरती है। इसके रेत में सोना पाए जाते हैं, पहले हमने बताया सोन के भी रेत में सोना पाए जाते हैं और इसके रेत में भी सोना पाए जाते हैं। तो ये है खरकई नदी, हम इंपॉर्टेंट एक बार फिर बता देंगे लास्ट में। ये है स्वर्णरेखा, झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे समुद्र में गिरती है। अब आता है दक्षिणी अपवाह तंत्र, यह है संख नदी और यह है दक्षिणी कोयल। देखिए दक्षिणी कोयल नदी और यह संख नदी दोनों आगे जाकर उड़ीसा में ब्राह्मणी के नाम से जानती है, ब्राह्मणी नदी। अब इंपॉर्टेंट नदी आप फिर से ध्यान से देखें, यह है उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल। यहां पर है सोन नदी, सोन, सोन एक हिस्सा है। यह है दामोदर नदी, झारखंड की सबसे लंबी नदी, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी और यह बंगाल की सोक के नाम से जाना जाता है। तो दामोदर का यह पहचान है। यह है बराकर नदी, बराकर, और यह है आपका अजय नदी। केवल इंपॉर्टेंट नदियां, यह स्वर्णरेखा, यह खरकई, यह दक्षिणी कोयल और यह संख नदी। संख नदी का इतिहास में मिलता है, जहांगीर के काल में बताया गया कि यहां पे इसी नदी में आपको हीरा मिलता था। तो ये था ड्रेनेज सिस्टम, फिर से समझिए, ये ऊंचा भाग, ऊंचा भाग से सारी नदियां निकलती हैं, अलग अलग हिस्सों में हम बांटते हैं। सबसे पहले उत्तरी प्रवाह, फिर उत्तर पूर्वी प्रवाह, फिर हम बांटते हैं तीसरा उत्तर पूर्वी प्रवाह, फिर दक्षिणी प्रवाह, दक्षिण पूर्वी प्रवाह। तो इस तरीके से हम झारखंड के प्रमुख नदियों को बांटते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जलवायु पढ़ाएंगे।